की हाँ घोड़े गधे बिल्ली कुत्ते सब बेच के सोती है का? हम अकेले ही हम ढूंढ रहे चोर को और तू सोती रहेगी का? ऊपर है डंडा, ऊपर है चोर है। हाँ ऊपर है, हवाई चाबी भी नहीं मिल रही है। देखा? अरे चलो सुन, चलो चल संभाल के अम्मा जी। तू देख आ जाए सामने बस लालम लाल कर देंगे। अरे हमारी सारी हड्डियां हिला दी उसने, सामने आ जा। हिले अगे नमिता। शिवम, ए नमिता कहाँ है? नहीं नहीं देख 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 ऊपर से भाग रहा है। आजा आजा तू मेरे पीछे चल के। प्रीति, अरे हमारी तो सांस ही फूल गई है। हाँ एक मिनट, शिवम 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 नहीं दिख रहा है। ओह हमारी तो सांस फूल गई। लीला फोन उठा और दे। किसी को चोर दिखाई दिया का? हाँ लगता किसी ने सुना नहीं, भाग गया। चल चाबी ढूंढते, हमारी चाबी। सोनू सोनू नीचे है ना बिट्टू? हाँ आओ। इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो भाई? वो मैं पापा वो बुलेटबाजी खत्म नहीं हुई तुम्हारी अभी तक? नहीं वो मैं तो हम समझना रहे और तू यहाँ खड़ा चौकीदारी कर रहा है। हम पूछ रहे हैं इससे क्या कर रहे हो यहाँ पे अभी तक? दादी आप वो चोर 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 चिल्ला रहे थे ना, तो चोर भी बाहर और तू भी बाहर। वो मैंने चोर को वहां से कूदते हुए देखा ना, तो पकड़ा? नहीं दादी वो अंधेरा था ना तो भाग के। हाँ अब सब तो बच्चा ना अमिताभ हो नहीं सकत के चोर को पकड़े। सर को अंदर आ जा बिटवा। चलो अंदर चलो चलो। काहे तमाशा लगा के यहाँ पे रखा है तुम लोगों ने? रात बहुत हो गई, चलो अंदर। अरे रुको उंगली भी साथ लेके जाओगी का? वीडियो डिलीट किया पता नहीं क्या? पता नहीं वो... अरे बोलना क्या पता नहीं? मैं डिलीट कर रही थी, पता नहीं डिलीट हुआ कि नहीं। लाइट आई और मैं बाहर आ गई। गिरे चाबी तो यहाँ गिरी है। अरे बच्चों बाहर पंचायत काहे लगा के बैठे हो? फसल ले अंदर बुलाओ उनको। अंदर आ जाओ ना। आ जाओ आ जाओ बच्चों, तू बैठ। सोनू अंदर आ जा। तू बैठ। हम है ना कुछ दिखाना चाहते। अम्मा इस वक्त क्या दिखाना चाहती? बहुत थके हुए हैं। हाँ अभी बहुत थक गया है ना। दो ही मिनट। अम्मा हम हाथ मुंह धोकर आ जाएगा तब तक। तू रुकना, एक तो यहाँ परेशान है हम चाबी ढूंढ ढूंढ के। वीडियो देख हमका समझ में ना आया है। घड़ी घड़ी बंद हो रही, दिख नहीं रही।
कुछ समझ में नहीं आते। कल सुबह कर ले काम, बहुत थके हुए हैं। तो मैं अम्मा वाली चाय बना लाऊं, हैं अदरक पुदीना वाली है। हम ही बना लेते हैं अम्मा जी। अम्मा जी माफ कर दो ना अम्मा जी। अम्मा जी अरे माफ कर दिया जाना, कितनी बार माफी मांगेगी, जब माफ कर दिया। माँ जी बहुत थक गए हैं वो। अब तू हमका सिखाएगी हैं कि हमारा बिटवा कितना थका हुआ है, हैं? तू को ज्यादा फिकर है हमसे का? बाजी मंडी जाना छोड़ देंगे। सुनत की सौगन खा रहे हैं, माफ कर दो। जा जा गला फाड़ वहाँ और सुन सबकी बातें। एक खुशबू दे कैसी बनती है चाय। सही वक्त पर ही सब आंखें बंद कर लेता। देखा कितना थक जाता है। आराम से नींद में है। अच्छी किस्मत है तुम्हारी, सुबह तक बच गई। अब इंतजार करना पड़ेगा सुबह तक। दोनों साथ में इंतजार करेंगे बैठ के। इले चाय पी, सुबह तक जागना है। यही सोए रहे काम रात भर। थक गया था ना, हाथ पो धोकर आते हैं। अब बाद में तो काम आ वीडियो दिखा। अरे हमार रात भर से एक वीडियो के चक्कर में पड़ गया। दिखा भजन नहीं वीडियो है। अरे अम्मा यही है इसमें सिर्फ और कुछ नहीं। दिखा ये लो। वीडियो कहाँ गया? अरे नहीं है वीडियो अम्मा, रात भर से परेशान किए हुए उसके पीछे वीडियो था। जो है यही है इस उम्र में, यही तो होगा और कहाँ होगा अम्मा। अरे तुम भी कमाल करती हो, यहाँ पे सुबह सुबह खड़ी हुई इंतजार कर रही हो, ये हनुमान चालीसा सुनने बैठी हो। अरे सुला देती अम्मा को कहीं और, हमें जगा देती, ऊपर जाके सो जाते हम। चाय बनाते थे तुम लोगों के लिए।
दिखा दी है, का हराने की कोशिश की ना। चलो टाइम हो गया, मम्मी वेट कर रही होगी। हाँ निकल, आराम से जाना। हाँ। और फिर से आना पढ़ाने। अब तो रोज आओगी नमिता दी को पढ़ाने। घर पहुंच के फोन करना। हाँ। जल्दी घर पहुंचो। बाय बाय। हेलो। हाँ पैसे चाहिए तो हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं फिर बाद में फोन करता हूँ आपको। क्या 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 मतलब? मतलब कुछ भी। आखिर हमने मम्मी को बचा ही दिया। अरे हाँ भैया, वैसे आपको पैसे क्यों चाहिए? कितने? वो मुझे नहीं चाहिए, मेरे दोस्त को चाहिए थे, तो उसकी हेल्प करने के लिए बोल दिया कि मैं उसे अरेंज करके दे दूंगा। वो भी तीन दिन? ये आपके वो फ्रेंड के सैंपल दिखते ही है ना? हाँ क्यों? तो अब अपने फ्रेंड को कह देना ये मैंने रख लिया। नहीं चल दो, मैंने मतलब कुछ भी फ्री में मिलेगा तुम लोग रख लोगे क्या? हाँ तो वैसे भैया सैंपल किट तो फ्री में यूज करने के लिए होता है ना। एक हमारे लिए, लल्ला हम एक रख ले, ये बड़ा असरदार लेप है। वो तुम्हारी दोस्त है ना मिता? हाँ हाँ। उसकी माँ है हमारे साथ भजन मंडली में, कह रही थी बड़ा असरदार लेप है, चेहरा पूरा चांद की तरह चमक जाता है। अच्छा? तो सोच रहे थे तुम्हारे पिताजी के लिए रख लेते हैं। अच्छा। है? बड़ी चिंता हो रही है पापा के कॉम्प्लेक्शन की। अरे वो पूरा दिन मिट्टी धूल में रहते। क्या बात है, चेहरा तो दिखा दे रहा ना। देखो तो जरा माँ कितना शर्मा रही है। तुम क्या? देखो अब माँ को छेड़ना बंद करो, आखिर इकलौते हस्बैंड है उनके। कहती बंद करो, तुम दोनों पूरा दिन बकर बकर परेशान। अरे बात सुनो तो, मैसेज श्रीवास्तव। चलो ये फैमिली ड्रामा बंद करो, आप जल्दी से रेडी हो जाओ, ऑफिस जाना भैया। जो ऑफिस भी ड्रॉप कर देता हूँ। भैया अब तुम मिस क्रीम का थैंक यू दे ही लो, उसे आप भी क्या याद करोगे अब मुझे। चलो जल्दी रेडी हो जाओ। हाँ पूरी सैंपल किट तो घर पे लुट गई है, थैंक यू से ही काम चलाना पड़ेगा। बंटी हम जल्दी आए हैं क्या ऑफिस? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि मुझे मेरा हीरो दिखाई नहीं दे रहा। जवाब दूं? नहीं 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 प्लीज, तू कुछ भी मत बोल, मेरा दिमाग ऑलरेडी आउट है यार, हमारा कल का प्लान भी सारा फ्लॉप हो गया। कुमार शिवम जैसे है मेरे कमरे में भेजना। जी सर। अब कुमार। जी मैम। बॉस कुछ कह रहे थे, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, गुस्सा है सर, वो शिवम सर को फाइन भरना है ना नई किट के लिए। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हेलो कौन? अम्मा जी नमस्ते, हम अनिल शुक्ला बोल रहे हैं सुंदरपुर से। हाँ तो गाना मत गाओ, काम बताओ। अम्मा जी आपकी नाती की रिश्ते की बात करनी थी। अमित रिश्ते हैं? बताओ। अम्मा जी हमारी बिटिया एमएससी बीएड की परीक्षा दी है, पास हो जाएगी जल्दी। बस लो अभी तक पढ़ रही है का? नहीं परीक्षा दे दी है। फेल हो गई तो? अम्मा जी बड़ी होशियार है हमारी बिटिया, इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है। इंग्लिश का अचार में डालना है? नहीं नौकरी का भी मन है बिटिया का। ये अच्छी बात है, हाथ पैर चलने चाहिए घर के अंदर भी और घर के बाहर भी।
इतने बस हमको तो का गुनी लड़की चाहिए हा? संसार हमारा सवरा हुआ है। अम्मा जी सर्वगुण संपन्न है हमारी बिटिया। तो हमारा अमित भी मुगल सराय में एक ही ऐसा है 10,000 मजाक नहीं पगारी। अम्मा जी हमारी बिटिया भी नौकरी करेगी तो कमा ही लेगी। चलो ना एक काम करो आप लड़की को लेके आ जाओ घर पे है अगर पसंद आई तो लगे हाथ शगुन कर देंगे। आप कहें है? तो परसों हम आ जाए बिटिया के साथ। हाँ ले आओ आ जाओ है? चलो रखते हैं। जी बहुत अच्छा। अरे खुशिया हाँ आ जा। हाँ 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 अमित के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। आ रहे परसों देख गुनी बच्चे हो ना तो सामने से ऐसे आ जाते हैं रिश्ते। ये तो है हाँ। पता नहीं तेरा लल्ला कब चढ़ेगा। घोड़ी चाय बना के लाती है? अभी लाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। आप आ गए सर। बॉस ने आपको माफ कर दिया और रिया मैम ने आपका फाइन भर दिया। ये रहा आपका नया किट। आता ही होगा। थैंक यू बोलने। आई होप आज बोल दे वरना तुझे और मुझे सैड सॉन्ग गाने पड़ेंगे। बंटी इतना सेंसिटिव तो है तेरा हीरो और अगर सेंसिटिव नहीं है ना तो हीरो भी नहीं है। पिंकी क्या रिया और बंटी कहां पर है? वो दोनों तो कैफेटेरिया में। बंटी वो आ रहा है। बंटी वो हाय तुमने फाइन पे किया? हाँ। क्यों? मतलब? किसने कहा था तुम्हें? मैंने कहा था तुम्हें? किससे पूछकर पे किया तुमने? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ किससे पूछकर पे किया तुमने? देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं तुम मुझसे दूर रहो। मैं पहले भी कह चुका कि तुम मुझसे दूर रहो। मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए प्लीज। अरे इनकी बात छोड़ो इन्हें तो बस दोहे सुनाना आता है और कोई बात तो समझ आती नहीं। इनकी फिक्र मत करो तुम। ठीक है हुँ? तो तू एक काम कर अमित को लेके परसों घर आ जा। वो लोग लड़की को लेके आ रहे हैं। परसों? हाँ या शांति सदन में बुलाया। अब तुम्हारा घर देखा तो लुटिया डूब गई समझो। तो अमित को लेके आ जा लड़की पसंद आई ना तो ओली की रस्म भी तभी कर लेंगे। अरे लेकिन अम्मा रुक जाते थोड़ी देर तो। लड़की की फोटो लेके घूमती फिरती है और हम का कहती है रुक जाते थोड़ा। हमारी फिकर नाई बोल दे हम नाई देखेंगे लड़की है। हमारी बात नाई सुनी तो साफ साफ बोल दे। अरे नहीं अम्मा तुम ऐसा काहे बोल रही हो मुंह मत सड़ाओ। हम आ जाएंगे ना परसों अमित को लेके थोड़ी देर के लिए। अच्छा अब रखते हैं हाँ हमें रसोई में भी तो खटना है ना। चलो क्या हुआ फिर कोई नई लड़की ढूंढी रानी ने? अरे कुछ नहीं है बेटा उन्होंने किसी को बुलाया है। हम चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए परसों देखेंगे। हम नहीं जाएंगे बता रहे। मेरी बात तो सुन। हमें कुछ नहीं सुनना। आप बस जाके किसी भी बहाने से मना कर दो कि हम नहीं आ रहे। अरे देखना ही तो है बस। कौन सा वो वरमाला ही डाल देगी तेरे गले में। बोल दिया ना बस एक बार। और सुनो मम्मी हम घर छोड़ के चले जाएंगे बता रहे। ए प्रभु ये कौन से शादी के सत्संग में फंसा दिया हमें। आ
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।